नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है, ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश लर्निंग टिप्स होते हैं, ये आपको डेली रीड करने होते हैं और इसी को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग आपके लिए लाए हैं यूज ऑफ शैल हैव टू एंड विल हैव टू। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता शैल हैव टू कहाँ यूज़ किया जाता है और विल हैव टू कहाँ यूज़ किया जाता है। दोस्तों, शैल हैव टू और विल हैव टू ये कंपल्शन दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं। कंपल्शन का मतलब है मजबूरी। मजबूरी दर्शाने के लिए हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं और फ्यूचर में मजबूरी दर्शाने के लिए हम लोग शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज़ करते हैं। इससे इनको यूज करने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर इन्फिनिटिव और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपने कहा तुम्हें मेरे पास आना होगा या तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस में हम क्या दर्शा रहे हैं? मजबूरी, कि तुम्हारी ये मजबूरी होगी कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तो आप कहेंगे तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तो आप कहेंगे यू विल हैव टू कम टू मी। यू विल हैव टू कम टू मी का मतलब है तुम्हें मेरे पास आना होगा। ऐसे ही अगर आपने कहा आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क का मतलब है मुझे ये काम करना पड़ेगा या मुझे ये काम करना होगा, तो आप कहेंगे आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। दोस्तों, आई के लिए हम लोग हमेशा शैल यूज करते हैं। इसी तरह से ही के लिए हम विल यूज करते हैं। अगर आपने कहा उसे सच बोलना होगा या उसे सच बोलना पड़ेगा, तो ऐसे में आप कहेंगे ही विल हैव टू स्पीक ट्रूथ। ही विल हैव टू स्पीक ट्रूथ यानी उसे सच बोलना होगा, उसे सच बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा यू विल हैव टू रिपेंट, You will have to repent का मतलब है तुम्हें पछताना पड़ेगा, तो आप कहोगे You will have to repent। ऐसे ही अगर नाम है किसी का तो नाम ले आइए। जैसे अगर आपने कहा राम विल हैव टू ओबे, राम विल हैव टू ओबे का मतलब है राम को कहना मानना पड़ेगा। सो दोस्तों, इस तरह से shall have to और will have to को यूज किया जाता है। I hope you learned this lesson. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you next session. Till then, take care.